फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर की जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, ये और ज्यादा बढ़िया और थ्रिलिंग होता जा रहा है। अब थ्रिलिंग क्यों होता जा रहा है, इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। जो अब तक इस शो में दिखाया गया, जिसके अंदर कुछ लोग हैं जिनकी विचारधारा या जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, वो गवर्नमेंट पर यकीन नहीं करते और वो अपनी अकॉर्डिंग जो है वो अपने सिस्टम को चलाना चाहते हैं। मैं ये बात अपनी पहले वाली वीडियो में कर चुका था, जब मैंने द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर का फर्स्ट एपिसोड देखा था और जिसमें ये विचारधारा वाली बात मैंने कही थी। और ये सच में, ये जो कॉन्सेप्ट है अलग आइडियोलॉजी होना, किसी अलग से और अपने वे से सिस्टम को चलाने की कोशिश करना, गवर्नमेंट पर यकीन ना करना, सच में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज के खिलाफ हूं, बट ये आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ाई, विचारधारा के ऊपर लड़ाई, ये काफी अच्छा लगता है, काफी रियलिस्टिक लगती है चीजों को देखकर। और जैसी जैसी इसके अंदर मानसिकता दिखाई जा रही है, ये जो लोग हैं वो गवर्नमेंट पर यकीन नहीं करते और ये जो मानसिकता है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है और ये लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सुपर सोल्जर की एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कुछ सीरम है पर इसके चलते वो गवर्नमेंट से लड़ना चाहते हैं। अब इससे लड़ने के लिए तरीका इन्होंने यही अपनाया कि अपनी आवाज गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाएं। जैसे आतंकवादी अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाते, इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया, यानी बेकसूर लोगों की हत्याएं करना। थर्ड एपिसोड में जिस डॉक्टर ने ये सीरम बनाई थी, सुपर सोल्जर बनाने वाली एक जो सीरम है ये जो बनाई थी, उसका कत्ल कर देता है जीमो। वैसे यार जीमो करेक्टर जो वो काफी ज्यादा मस्त था, मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया तरीके से सामने आएगा, जिस तरीके से इसका बात करना, लोगों को मैनिपुलेट कर देना, वाह यार कमाल का था। और जीमो का जब आप ये करेक्टर देखोगे तो ये इंसान किसी और को सुपर सोल्जर नहीं बनने देना चाहता, इससे ये पता चलता है कि वो लोगों की परवाह करता है, वो लोगों को मरने नहीं देना चाहता। और इवन जो उसके सामने थोड़ी बहुत जो सीरम बची हुई होती है, कि बस यही थी डॉक्टर के मरने के बाद, थोड़ी बहुत सीरम्स हैं, उन सीरम को भी ये खत्म कर देता है। हाँ हाँ मुझे पता है कि एक सीरम रह जाती है जिसको जो न्यू कैप्टन अमेरिका है या फिर कहूं जो जॉन है वो अपनी बॉडी के अंदर उसे इंजेक्ट कर लेता है। और यही जो सीन था और इसके बाद जो एंडिंग दिखाई गई वो सच में बहुत भयानक थी यार। और जो इसका लास्ट का जो मोमेंट दिखाया गया था, इस एपिसोड का, फोर्थ एपिसोड का जो लास्ट का मोमेंट दिखाया, मुझे लगा कि यार इसको जॉन को कोई ना कोई आकर रोक लेगा, और एटलीस्ट नहीं भी रोकेगा तो ये जो शील्ड इसने ले रखी है इससे ये किसी को मारेगा नहीं। बट ऐसा नहीं होता। जिस शील्ड से कैप्टन अमेरिका ने लोगों की जान बचाई थी, आज उस शील्ड से जॉन ने किसी की जान ले ली। और जैसे वो जान लेता है और पब्लिक के बीच में, पूरी पब्लिक है, उन्होंने फोन निकाल रखा है, उसकी फोटो ले रहे हैं, और जान लेने के बाद, किसी को मारने के बाद ये जॉन वॉकर खड़ा होता है, फिर इसकी शील्ड में से, जो कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है उसमें से खून टपक रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, एकदम अलग सा चेहरा निकल के आ रहा है। ये जो सीन था, मैंने कहा ना, ये वाला जो सीन देखा मैंने उस शील्ड से मारना, यहां पर मुझे कहीं ना कहीं वो फीलिंग हुई यार, थ्रिल वाली जो भावना थी मेरे अंदर आ गई, मैं यार बढ़िया जा रहा है ये। सच कहूं जो उम्मीदें मैंने द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर के साथ लगाई थी उससे काफी ज्यादा अच्छा इन्होंने बना के हमें दिया है। एंड आई होप सो कि जो एंडिंग होगी वो भी इतनी धमाकेदार होने वाली है। वैसे अब तक इस शो में दो ही अवेंजर दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि यार कुछ एक दो अवेंजर और दिखा देते, या फिर अगर अवेंजर भी ना दिखाते तो जो कैप्टन अमेरिका थे उनका क्या हुआ, वो कहाँ है, उनके बारे में दिखा देते, अगर नहीं भी दिखाते तो थोड़ा बहुत उनके बारे में बता दिया होता तो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शो खराब है, ये शो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट एक इच्छा होती है इंसान के अंदर। वैसे इंसान के अंदर तो अनंत इच्छाएं होती हैं, और उन अनंत इच्छाओं में से एक इच्छा ये भी थी कि यार एटलीस्ट थोड़ा बहुत उनके बारे में दिखा देते, बट कैर कोई ना। और अगर आप लोगों ने इसके चारों एपिसोड देख लिए तो आपके क्या विचार हैं इस शो के बारे में, आप क्या सोचते हैं, तो प्लीज कमेंट करना। वैसे कमेंट तो आते नहीं है, फिर भी कहने का फर्ज तो बनता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।